हैरान के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले वतन समझते हैं इनको इमामे हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपस में हम लोग कभी नहीं लड़े, सारे धर्म के लोग सब भाईचारे के साथ रहते हैं। हम लोग एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। किसी धर्मों का कोई ऐसा लड़ाई का विषय नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्या, बौद्ध क्या, सिख क्या, सरदार क्या, सब लोग यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं। यहाँ जो भी झगड़ा फसाद हुआ है बाहरी लोग आए हैं, उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। हम लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। चला ही तो धर्म निरपेक्ष की नीति, खून का रंग एक है, खून की मोहब्बत है, सर्वधर्म संभाव का प्रतीक रहा है अयोध्या। आज हम अयोध्या के हिंदुओं पर फख्र करते हैं। ये तहजीब है गंगो जमन छोड़कर, कहाँ जाइएगा वतन छोड़कर। आइए आज आपको एक किस्से से रूबरू कराता हूँ। यह किस्सा सिर्फ अयोध्या का नहीं है, यह किस्सा है मोहब्बत का, यह किस्सा है कभी ना मिट सकने वाली हमारी गंगा जमनी तहजीब का और सदियों पुरानी वासुदेव कुटुंब की ताबीर का। हाँ, यह सच है कि पिछले 20 वर्षों में इस ताबीर को पलटने की कोशिश की गई। हमारी विरासत के दामन पर खून के धब्बे जरूर लगे, लेकिन पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त और डॉक्टर इकबाल जैसों ने वतन परस्ती की जो फसल तैयार की, उसे मिटा पाना इतना आसान कब था। हमने इस किस्से की बुनियाद सरयू के पानी पर रखी है, वो पानी जो सदियों से हर आस्था और हर अकीदत की प्यास बुझाता रहा है। लेकिन अफसोस, पिछले 20 सालों से खून के आंसू रो रहा है। कोयल की कुहू कुहू लोग इसलिए नहीं सुनता है कि उसका भ्रम है कि जितना मेढक टटराएगा उतनी बारिश होगी। तो यह जो दिल्ली की सियासत देख रहे हैं, नोट ऑफ वोट की बारिश। हमारा यह कहना है कि अयोध्या का मसला है, न इसमें कोई बाहरी शंकराचार्य बोले, न कोई मौलाना बोले। हम लोग यहाँ आपसी भाईचारे से इस मसले को तय कर लें, मंदिर भी बन जाए, मस्जिद भी बन जाए, जो झगड़ा है, जो विवाद है, वो खत्म हो। अयोध्या यानी वो जिसे जीता ना जा सके। 2 दशक बीत गए इस विवाद को। इन 2 दशकों में करीब 2 पीढ़ियां बचपन की दहलीज छोड़कर जवान हो चुकी है। आज ये नौजवान अयोध्या को हिंदू मुस्लिम झगड़े की वजह मान बैठे, लेकिन क्या अयोध्या को हमारी आने वाली पीढ़ी इसी तरह देखेगी, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब वक्त रहते ही ढूंढना होगा। अयोध्या को उसका असली चेहरा सौंपना होगा, जिसे सियासी दुकानदारों ने हर तरह से छुपाने की कोशिश की। सोच में पूरी तरह से एक बदलाव आ चुका है। जो एक रूढ़ीवादी सोच पहले हुआ करती थी कि नहीं हमें मंदिर बनाना, या लोग कहते थे हमको ये ज़मीन चाहिए, अब तो लोगों का ये मानना है, लोग बिल्कुल पूरी तरह से उब चुके हैं और लोग चाहते हैं कि बस इस मुद्दे से आप इस सिटी को हटाइए। जैनियों का मानना है कि उनके 5 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ और फिर सरयू के किनारे इस गुरुद्वारे को कैसे अनदेखा किया जा सकता है, जिसे ब्रह्मकुंड साहिब कहते हैं। ये वो जमीन है जहां गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के कदम पड़े, और मुस्लिम समुदाय के लिए हजरत शीश की दरगाह है, जो हजरत आदम के बेटे थे। यानी मुस्लिम मत के लिहाज से आदम और हव्वा से जो पहला बेटा हुआ, वो भी सरयू के दामन में सो रहा है।